एकता शर्मा और आज हम कर रहे हैं पोएम द डिवाइन इमेज। द डिवाइन इमेज ये पोएम विलियम ब्लेक के द्वारा लिखी गई है। तो देखो इस पोएम के अंदर क्या बताया गया है, इसमें पोएट ने बताया है, विलियम ब्लेक ने बताया है मर्सी, पिटी, पीस एंड लव, इन चार गुणों के बारे में। और ये गुण कैसे हैं, जो हर एक ह्यूमन बीइंग में होते हैं। तो ये गुण है वो सभी ह्यूमन बीइंग्स में होते हैं। और ये जो विलियम ब्लेक है उनके बारे में बता दूं थोड़ा सा कि विलियम ब्लेक है, उनका जो जन्म है वो 1757 में हुआ था, 1757 में, 1827 में इनकी डेथ हो गई थी। तो इन्होंने अपनी जो कई कविताएं हैं वो लिखी है, जैसे सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस है, सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस है, तो इनके बारे में इन्होंने लिखा है। ये देखो विलियम ब्लेक जो है उन्होंने बहुत सी ऐसी चीजें बताई है, एक तरीके से बोल सकते हैं कि इन्होंने अपना जो स्तर है वो शिक्षात्मक बताया है, उन्होंने शिक्षा को एक मूल रूप में बताया है कि सभी जो इनके जो रीडर्स हैं वो अपने शिक्षा ग्रहण करें, वो नई नई चीजों को प्राप्त करें। तो इन्होंने बताया है कि जो मर्सी, पिटी, पीस एंड लव, ये जो चार चीज है, मतलब करुणा, दया, शांति और प्रेम, ये चार जो गुण है वो हर एक ह्यूमन बीइंग में होते हैं। और ये जो ह्यूमन बीइंग है इन गुणों को फील करने में वो असफल रहता है। तो ये इस पोएम की मेन थीम है, जिसमें हम ये अपने रीडर्स को बोल रहा है कि इन गुणों को आप फील करें, इन गुणों को आप महसूस करें जो गॉड ने सबको दिए हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम। टू मर्सी, पिटी, पीस एंड लव, ऑल प्रे इन देयर डिस्ट्रेस, एंड टू दीज वर्च्यूज और डिलाइट रिटर्न देयर थैंकफुलनेस। टू मर्सी, पिटी, पीस एंड लव, कि ये जो करुणा, दया, शांति और प्रेम, और प्रे इन देयर डिस्टर्स, कि ये चारों जो चीज है वो सब में विद्यमान होती है, भगवान ने ये चारों गुण है वो सबको दिए हैं। लेकिन होता क्या है कि जब कोई डिस्ट्रेस में होता है, डिस्ट्रेस मतलब जो कोई तनाव में होता है, कोई व्यक्ति जब दुखी होता है तब वो प्रार्थना करता है, इन सभी गुणों के साथ में भगवान से प्रार्थना है वो करता है। तो बोलता है कि जब व्यक्ति परेशान हो जाता है, परेशान होने वाली स्थिति में जब होता है तब वे उसकी प्रार्थना करते हैं, तब वो भगवान की प्रार्थना करते हैं। जब भगवान इन जो गुण है, चार गुण जो ह्यूमन बीइंग में देते हैं, इन गुणों की वजह से, क्योंकि अगर व्यक्ति मर्सी, जैसे आगे बताएगा कि अगर किसी व्यक्ति, कोई व्यक्ति गरीब है तो ही मर्सी या पिटी है वो निकल के आती है। अगर कहीं पे मतलब हमारे पास सुख सुविधा है तो ही शांति होती है। तो इसमें बताया कि जब व्यक्ति परेशान हो जाएगा और जब व्यक्ति के पास में कोई चीज जब उसके पास में नहीं रहेगी, कमी हो जाएगी, किसी चीज का अभाव हो जाएगा, तो ही वो व्यक्ति परेशान होगा। और परेशान होगा तो दूसरे के अंदर, उसको देख करके दूसरों के अंदर है वो मर्सी पिटी की फीलिंग्स है वो निकल के आएगी। तो ये चारों गुण सब में होते हैं। और जो पोएट है वो बताते हैं कि जब व्यक्ति डिस्ट्रेस होता है, परेशान होता है, तनाव की स्थिति में होता है, तब वो भगवान से प्रार्थना करता है। एंड टू दीज वर्च्यूज और डिलाइट रिटर्न देयर थैंकफुलनेस, एंड टू दीज वर्च्यूज, और ये जो वर्च्यूज है यानी ये जो गुण है, जो हैप्पीनेस के, डिलाइट के जो गुण है, रिटर्न देयर थैंकफुलनेस, कि वो रिटर्न यानी लौट आते हैं देयर थैंकफुलनेस। थैंकफुलनेस क्या होता है, उनकी हैप्पीनेस के साथ में, कि खुशी के साथ में, प्रसन्नता के साथ, ये जो सारे गुण हैं डिलाइट के, जो खुशी के, जो आनंद के गुण हैं, वो सारे उनके पास में रिटर्न मतलब लौट आते हैं जब वो भगवान से प्रार्थना करते हैं। क्योंकि भगवान है वो हर एक चीज के मूल है, वो ही हर एक चीज को प्रदान करने वाले हैं। तो जब कोई परेशान होता है और भगवान से प्रार्थना करता है तो भगवान उनको हैप्पीनेस प्रदान करते हैं और भगवान उनकी हर बात को मतलब एक बहुत ही अच्छे तरीके से उनको लेते हैं और उनको जो गुण है वो उनको प्रदान करते हैं, गुणों के साथ में उनको हैप्पीनेस प्रदान करते हैं। फॉर मर्सी, पिटी, पीस एंड लव इज गॉड अ फादर डियर, एंड मर्सी, पिटी, पीस एंड लव इज मैन हिज चाइल्ड एंड केयर, कि फॉर मर्सी, पिटी, पीस एंड लव, कि ये जो मर्सी है, जो पिटी है, जो पीस है और लव है, ये चार चीज देखो ऊपर भी आई है, करुणा, दया, शांति और लव, इस गॉड, ये क्या है, भगवान के अंदर विद्यमान है। अ फादर डियर, जो क्या है, हमारे फादर हैं, हमें बनाने वाले हैं, हमारे मेकर हैं, हमारे पिता हैं, मतलब ये जो चारों चीज है वो गॉड में भी होती है और गॉड है वो ही हमें ये चारों चीज है वो एक व्यक्ति के अंदर प्रदान करते हैं, जो कि उसके उसका चाइल्ड होता है, जिसकी वो केयर करते हैं, जिसकी वो देखभाल करते हैं। गॉड है वो ही एक व्यक्ति की देखभाल करते हैं और वो
मैन क्या होता है, उस गॉड का चाइल्ड होता है, उस गॉड का बच्चा होता है, और भगवान ये चारों चीज है उसको भी प्रदान करते हैं, क्योंकि भगवान के अंदर ये चीज होती है खुद, और भगवान है वो हमारे क्या है, फादर है। तो एक फादर है वो अपने बच्चे को अपने सारे जो गुण है वो प्रदान करता है, तो वैसे ही गॉड है वो भी मैन के अंदर, ह्यूमन बीइंग के अंदर ये चारों चीजें हैं वो देते हैं, और क्योंकि वो उसका बच्चा है और वो उनकी देखभाल के अंदर ही, उनके संरक्षण में ही पला होता है। फॉर मर्सी हैज ए ह्यूमन हार्ट, पिटी ए ह्यूमन फेस, एंड लव द ह्यूमन फॉर्म डिवाइन, एंड पीस द ह्यूमन ड्रेस। तो इसमें बताया है कि एक ह्यूमन के लिए ये जो चारों चीज है वो किस फॉर्म में होती है, किस रूप में होती है। फॉर मर्सी हैज ए ह्यूमन हार्ट, कि मानव का जो हार्ट होता है, मानव का जो हृदय होता है वो क्या होती है, वो मर्सी होती है, वो करुणा होती है। कि जो ये मर्सी होती है, जो करुणा होती है, वो ह्यूमन हार्ट में होती है, मानव के हृदय में होती है, उसका हृदय है वो मर्सी से भरा हुआ होता है। पीटी इज ए ह्यूमन फेस, और ये जो पीटी होती है, जो दया होती है, वो जो ह्यूमन फेस होता है उस पे झलकती है, उस पे दिखती है। तो मर्सी कहाँ दिखती है, ह्यूमन हार्ट में, और पीटी है वो ह्यूमन फेस पे झलकती है, ह्यूमन फेस पे हमें नजर आती है। एंड लव द ह्यूमन फॉर्म डिवाइन, एंड लव, और जो प्रेम होता है वो क्या है, ह्यूमन फॉर्म, ह्यूमन फॉर्म है, मानव का एक रूप है, और रूप कैसा है, डिवाइन रूप है, एक देविक रूप है। तो लव है वो एक ह्यूमन का, मानव का देविक रूप है। एंड पीस, और जो शांति है वो क्या है, द ह्यूमन ड्रेस, मनुष्य के जो ड्रेस है, मनुष्य का जो आवरण है जो उसने पहन रखा है, वो होता है पीस, पीस के रूप में, शांति के रूप में। देन एवरी मैन और एवरी क्लाइंट That prays in his distress, prays to the human form divine, love, mercy, pity, peace. कि then every man, कि तब ये जो every man यानी जो प्रत्येक व्यक्ति होता है, और climb, every climb, climb यहाँ पे एक क्लाइमेट के लिए आया है, वातावरण के लिए आया है, कि प्रत्येक क्लाइमेट पे, प्रत्येक जो वातावरण होता है, प्रत्येक जो आवरण होता है, वहाँ पे क्या होता है, एवरी मैन, प्रत्येक मैन जो होता है वो क्या करता है, प्रेज इन हिज डिस्ट्रेस, अपनी डिस्ट्रेस में, अपनी परेशानी के अंदर, अपनी निराशा के अंदर ही वो प्रार्थना करता है। कि प्रत्येक क्लाइमेट के अंदर, मतलब किस प्रकार का वातावरण होता है, जैसा क्लाइमेट होता है, जैसा वातावरण होता है, जैसे सर्कमस्टेंसेज होते हैं, जैसी सिचुएशन होती है, उस सिचुएशन के हिसाब से ही, उस क्लाइम के हिसाब से ही जो प्रत्येक व्यक्ति है वो भगवान से प्रार्थना करता है अपनी हताशा निराशा को दूर करने के लिए। प्रेज टू द ह्यूमन फॉर्म डिवाइन, लव, मर्सी, पिटी, पीस। कि प्रेज, वो प्रे करता है, प्रार्थना करता है ह्यूमन फॉर्म डिवाइन, कि वह अपना जो देविक रूप है, मानव का जो देविक रूप है, जिसके अंदर लव, मर्सी, पिटी और पीस होता है, उस देविक रूप के साथ में वो भगवान से प्रार्थना करता है, और भगवान क्या करते हैं, उसकी हेल्प करते हैं, उसका सहारा बनते हैं, भगवान उसकी परेशानी को दूर करते हैं। तो इस प्रकार से इसमें बताया है कि ये जो इसमें मेन जो चीज है वो लव, मर्सी, पिटी और पीस को ही बताया गया है, कि हर एक ह्यूमन बीइंग में ये होते हैं, और एक ये जो चारों चीजें हैं वो एक ह्यूमन को क्या बनाता है, डिवाइन फॉर्म में लेके जाता है। अगर ह्यूमन बीइंग में ये चारों चीजें हैं, देन वो अपनी डिवाइनिटी को प्राप्त करता है, अपने दिव्य रूप को प्राप्त करता है। अदरवाइज आपको पता ही है मैन कैसा होता है। एंड ऑल मस्ट लव द ह्यूमन फॉर्म इन हिडन तुर्क ओजू वी व मसी वी वेयर मसी लव एंड पिटी ड्वेल द गॉड इज ड्वेलिंग टू। कि एंड ऑल मस्ट, और जो सभी जो व्यक्ति हैं, ऑल मस्ट मतलब यहाँ नेसेसरी रूप में बताया है, लव द ह्यूमन फॉर्म, कि जो ह्यूमन फॉर्म है, जो मानव स्वरूप है, उसको सभी व्यक्ति को लव करना चाहिए, मानव के रूप से घृणा नहीं करनी चाहिए। जो ह्यूमन फॉर्म जो गॉड ने हमें प्रदान करी है, उससे सभी लोगों को प्रेम करना चाहिए, उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। इन हिदन तुर्क और जू, किन किन को, चाहे वो हिदन हो मतलब जो किसी भी धर्म को मानने वाला जो होता है, किसी भी धर्म को जो नहीं मानता है उसको बोलते हैं हिदन तुर्क। तुर्क यानी जो मोमडन्स होते हैं, तुर्क की बात कर रहे हैं, और जू यू यानी जो यहूदी होते हैं। तो जो यहूदी है, तुर्क है, और जो हिदन है यानी जो किसी भी धर्म को मानने वाले जो नहीं है, जो विधर्मी लोग हैं, वो भी ह्यूमन फॉर्म को, उन्हें भी लव करना चाहिए, उसे भी उस मानव के रूप को प्रेम करना चाहिए, क्योंकि ये लोग भी क्या होते हैं, ह्यूमन फॉर्म में ही होते हैं। वे मर्सी लव एंड पिटी ड्वेल, कि जहाँ पे मर्सी, जहाँ पे करुणा प्रेम और पिटी, जहाँ पे दया होती है, जहाँ पे मर्सी होती है, जहाँ पे लव होता है, जहाँ पे पीस होती है, ड्वेल मतलब निवास करना,
देयर गॉड इज ड्वेलिंग टू, वहाँ पे खुद भगवान है वो भी निवास करते हैं, मतलब जिस मनुष्य के अंदर मर्सी, लव, पिटी और पीस होता है, जिस मनुष्य में ये चारों जो फीलिंग्स है, चारों गुण जब जिस मनुष्य में होते हैं, जिस ह्यूमन में होते हैं, उसके अंदर खुद भगवान है वो निवास करते हैं, मतलब उसको एक गॉड का ही रूप है वो माना जाता है, वो डिवाइनिटी के अंदर आ जाता है, डिवाइन फॉर्म को प्राप्त है वो कर लेता है। तो आई होप आपको पोएम क्लियर हुई होगी, आपको समझ में आई होगी। आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कीजिए। ओके बाय।